मैं बॉम्बे में हूँ, विच इज सरप्राइजिंग। मैं बॉम्बे में हूँ, मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने आ रखा हूँ आईमैक्स में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। एम आई राइट? यस यस। हेलो भाइयों, व्हाट इज अप, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। पार्ट टू आ गया व्लॉग का। मेरे को आजकल यू नो 10 of 10 अपने ये यूट्यूब स्टूडियो में देख के बहुत मजा आ रहा है, तो इसलिए मैं व्लॉग्स थोड़े ज्यादा डाल रहा हूँ। यू नो न्यू ईयर न्यू मी, सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। भाई ये पार्ट टू है डिसंबर का। यू नो हाउ इट इज, इफ यू हैव नॉट वॉच पार्ट वन यू वुडंट अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट कोई नहीं यार, तुम लोग यहीं पे बैठो, तुम लोग देखने आए हो, तुम लोग अब देख लो, फिर बाद में पार्ट वन देख लेना, इट्स ऑल गुड भाई। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो दिस वीडियो पिक्स अप इन द लैटर हाफ ऑफ डिसंबर, जहां पर हम लोग गए थे दिल्ली, मैं, तनेजा और फिर अब मॉडविल भी बाद में ज्वाइन कर लिया था। वी वेंट टू दिल्ली टू शूट फॉर समे, यू नो द ड्रिल भाई, हमारा थोड़ा सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना होता रहता है, उसकी कोई टेंशन की बात है नहीं। सो यस, समय रहना, यू नो समय रहना को तो तुम लोग जानते हो। So yes, that, जाओ देखो तुम, ठीक है? कैसे हो? एडिट दे दिया करो भाई टाइम पे यार। तो हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट, और यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, बहुत छोटी सी दिक्कत है कि ये जो रूम मिला है हमको, उसमें बाथरूम के बाहर ये कर्टन्स है, ठीक है? एंड आइडियली वन वुड थिंक कि ये कर्टन्स ठीक है, यहाँ से खुल सकते हैं, तो अंदर से उसको प्रिवेंट करने का कुछ तरीका होगा। अंदर से कोई तरीका नहीं है वो प्रिवेंट करने का। तो अगर इन एन आइडियल सिचुएशन तनेजा यहाँ पे नहा रहा है, तो मैं उसको देख सकता हूँ। मैं तो बताता हूँ, दो लोग यहाँ रहे तो वो कपल्स होंगे, पर अब एक ट्विन बेड्स वाला रूम है, दिक्कत ये है। वही ट्विन बेड्स वाले रूम में तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो? वही, अबे हम वर्क ट्रिप पे आ रहे हैं। देख आइडियली हम एक दूसरे को कोवर्कर्स को बनाते देखेंगे, कैसी बात, देख सकते हैं। तो ये बेसिक रूम है हमारा, ये काफी बढ़िया रूम है। दो ट्विन बेड्स हैं, यहाँ पर अपना काम चल रहा है, यहाँ पर न्यू मैकबुक है, यहाँ पर अपना पूल व्यू है जो हमको प्रॉमिस किया था बट मिला नहीं है। तनेजा कहाँ गया भाई? है कहाँ ये? दिख नहीं रहा भाई, मजाक से हटके। कहाँ पे है भाई तनेजा? Guys, we have lost him, actually. काफी sad है। तू कहाँ से आया भाई? मैंने मिस कर दिया। अंदर वो तू छोटा है ना, दिखता नहीं। भाई महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं अपने ऑडियंस के पास, देख। अच्छा हमारे लिए नहीं है गाड़ियाँ? पॉलिटिकल कौन? अबे यार चुपना है, में क्या मदद करेगा? वापस करते हैं, ठीक है? चलो। देखो भाई क्या महंगी महंगी गाड़ियाँ हमारे लिए। फॉर्चुनर ही फॉर्चुनर है भाई। यारा मेरे शो के लिए मेट्रो में आए लोग आए होंगे बैंच है कर अपने स्टूडेंट लोग हैं। हम लोग अभी और आना डाउनटाउन में और समय के शूट पे आ रखे हैं, एंड अभी 7 PM हो रहे, 7 PM रफली, एंड मेरी 4:45 AM की फ्लाइट है टू बॉम्बे, वेर आई एम नॉट श्योर वाई आई एम गोइंग, बट आई एम गोइंग एनी हाउ। ये बहुत बिजी हूँ भाई, मेरा बैक हर्ट कर रही, मैं लंबा क्यों? हम लोग शो हो गया अभी, एंड एज यू ऑल नो पर्सनल ड्राइवर पिकअप करने आया हमारा एक्चुअली। रुको सर, ये पकड़ लो सर, रुको सर, अरे गंदी मत करा करो यार सीटें, प्लीज यार, ऐसे ऐसे गाड़ियों में बैठने का मन नहीं करता है ना यार, प्लीज। और कुछ भाई? नहीं सर बस, अब जल्दी फटाफट पहुंचा। पानी नहीं, बियर? अच्छा कैमरा ऑन है, सॉरी भाई, रुक जा, हम रुक जा, ठीक है भाई, हम लोग अभी चिल कर रहे थे, हमको मेरी 4:45 की फ्लाइट है, एंड ये मेरे को छोड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपने ओला ड्राइवर्स को एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं उनको रूम में ले आता हूँ, बोलता हूँ भाई आ जाओ चिल कर लो मेरे साथ। मैंने अपनी पुरानी वीडियो लगाई, बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी, फिर ये पार्ट आया और अब तब से ये देख के हंस रहे हैं। रुक जाओ, तुम लोग भी हंसो। चला ये तनेजा है भाई, तो टिंगा था एक ऐसा चोबुल, तुमने मेरे लड़के पे बहुत तेज मारा, सब्सक्राइब करो। मेरे लड़के पे बहुत तेज मारा, ठीक है? मेरे भाई इतना फनी है वो,
पीओवी तूने मेरे पे बहुत सोलो जोश की तरह ब्लॉग करूं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने, उसके बाद मैं शायद नया फोन ले लूंगा और उसके बाद हम लोग को जो गाड़ी ठीक करवानी है उसका आरटीओ ऑफिस में जाके नंबर करवा, गाइस नंबर करो और फिर फ्लीटू भैया आएंगे उनके साथ हम जाएंगे और फिर गाइस मेरे को नई गाड़ी भी लेनी है एक्चुअली आज, तो हम वो भी दिखाएंगे। अरे पीयूष आजा जी एंड रोटी। तो भी डिनर हो चुका है, अब फिलहाल पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को थोड़ी सी पैकिंग करनी है, बंद कर रहे हैं यार। चलिए गाइस पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं तो सही हूँ सुपरस्टार। उसकी गाड़ी का नंबर लगाने है, फिर मेरे को नया फोन लेना है क्योंकि मेरे पुराने फोन का एक्चुअली स्क्रीन कार्ड टूट गया है। हाँ। तो मैं सोचा नया फोन ही ले लेता हूँ। सही बात है, नया स्क्रीन कार्ड लेने से अच्छा है ना। सही बात है, फोन ले लो नया फोन। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। बाकी पैकिंग तो मैंने कर ली है। पैकिंग स्टार्ट करते हैं। है भाई सही पैकिंग करी ना। यही जोक तू चार साल पहले मार दो। अच्छी पैकिंग करता हूँ। यही जोक तू चार साल पहले मार दो। पैकिंग तो बढ़िया करता हूँ। यही भाई, तू अगर बढ़िया करता तो तेरा ब्रेकअप नहीं होता। अब ये जोक जाना चाहिए अगर ये कट हुआ। लाइफ ऐसी चल रही है। तनेजा गया हुआ है साहिल भाई के साथ मूवी देखने। तनेजा ने 1000 रुपए की टिकट ली है भाई। 1000 रुपए की टिकट ली है। तूने इतनी फुटेज ले ली ना मेरी, एडिट करते करते बात चुकी मेरी। तो तनेजा मैं कट लगाता हूँ व्लॉग में भाई। मैंने तेरे को 7 मिनट का ऐसे दे दिया, अगर सौरभ जोशी मेरे साथ रहे तो दिन के 2 व्लॉग निकाले। मेरी पैकिंग हो गई है, इससे पहले तेरी करूँ उठ जा। इसका क्या करते हैं भाई? इससे हिलाते हैं भाई। ये कौन उठाएगा? तू भूल गया शायद कि तू था ओला ड्राइवर ही मेरा। वो तो मैंने रूम में इनवाइट भेजा था तेरे को। गुड बॉय, बाय बाय रिच रूम। मैं कंप्लेन करूंगा ओला में, 0 रेटिंग, इज्जत ही नहीं है भाई। भाई गाड़ी इधर से उठा के ले गया तो भाई चाबी नहीं होगी ना उस पे। मैं चलाने की नहीं, हाँ। उठाने की जा रहा हूं। अच्छा उठा के वो तो ले जा सकता है। फ्लैश लाइट जल गई बहुत भयंकर। गरीब टर्मिनल क्या है ये? मेरे को नहीं पसंद भाई। टर्मिनल 3 वाली करवाओ बुक। सर चल भाई, ये मेरा और तेरा रास्ता सफर यहीं तक था। तेरे को कुछ मेरे को इनपुट देना है मुंबई जाने से पहले? कुछ नहीं देना, कुछ तो देना होगा, कुछ तो होगा तेरा अल्टीरियर मोटिव। टेक्स्ट बात करेगा, टेक्स्ट बात करेगा। ठीक है भाई, यहाँ से आगे भाई आपको अच्छा खुद करना। अच्छा अच्छा खुद कर। ठीक 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 चल भाई। आई विश मेरी विंडो सीट खाली हो एंड मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ लेटर। आई कैन ओनली विश एंड वेट, मैं हड़प लूँगा। अपडेट, मैंने विंडो सीट हड़प ली। यस चलो बाय, गुड नाइट। सो यस, आई लैंडेड इन मुंबई एंड फिर मेरे को स्पाइडरमैन नो वे होम देखनी थी यार। एंड मेरे पास मुंबई में ज़्यादा दोस्त थे नहीं, सो मेरे को अपने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखनी पड़ी वो मूवी। सो मैं बॉम्बे में हूँ, विच इज़ सरप्राइजिंग। मैं बॉम्बे में हूँ, मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने आ रखा हूँ आईमैक्स में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। एम आई राइट? यस। कोई पहचान नहीं रहा होगा ना? कोई पहचान नहीं पाया तुझको भाई? कोई पहचान नहीं पाया तेरे शक्ल का? लिटरली 5% दिख रहा था तुझे, पता है ये बात? 5%। अब पहचान? हाँ। द इंटरनेट हैज़ बीन आस्किंग अ वेरी सीरियस क्वेश्चन लेटली इन द अर्ली तेरे पोस्ट पे मोस्टली, मतलब मेरे से किसी को फर्क पड़ता नहीं है। मैंने ये यूट्यूब वीडियो सिर्फ क्लिक बेट लिए बनाई है मोस्टली। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। यस, मेरे पास और कोई दोस्त, मेरे पास बॉम्बे में और कोई दोस्त नहीं थे गाइस। अनलेस मेरे पास और कोई दोस्त नहीं है बॉम्बे में। एनीहाउ हम लोग स्पाइडरमैन नो वे होम देखने जा रहे हैं अभी, विच इज़ फन। मैंने बहुत वेट किया, मैं पिछले 2 दिनों से ना इंस्टाग्राम चला रहा हूँ ना ट्विटर, और मेरी मूवी फिर भी स्पॉइल हो चुकी है कर्टसी माय डिस्कॉर्ड सर्वर, इसलिए मैं एक्टिव नहीं आता हूँ पता है डिस्कॉर्ड पे। इसने बैन कर दिया फिर। हाँ, मैंने एक बंदे के यूजर नेम में स्पॉइलर था स्पाइडरमैन नो वे होम का, वो बैन्ड है मेरे सर्वर से। गुड जॉब ऑन बीइंग कूल, यू आर वेरी कूल। टेल योर मॉम यू स्पॉइल नो वे होम फॉर पीपल एट नाइट। ठीक है, सोने से पहले बता अपनी माँ को। बाय।
मूवी के बाद मिलेंगे ओके, तू बार तू उस फुटेज ले ले बस। टेक्निकली एक्स गर्लफ्रेंड के हुई क्या वो, मतलब क्योंकि मैंने कभी रिवील नहीं करा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइस, सो लाइक आई विल मेक अ वीडियो ऑन ऑल ऑफ दिस इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल ऑफ दिस, बट आई हैव रियलाइज्ड कि तुम लोगों को मेरी लाइफ से फर्क नहीं पड़ता है, तो आई डोंट थिंक दैट वीडियो वुड वर्क। बट फिर उस वीडियो में लड़की भी होगी तो तुम लोग क्या देख लो, वो तो सिंप ही ना एट द एंड ऑफ द डे है, तो अंदर से सिंप ही हम सब है कि नहीं। उसके पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैव यू ब्रोक विद एट राघवाना 67, हैव आई ब्रोक, हैव आई का पता नहीं बट ब्रोक तो हूं। गला दर्द है गाइस, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ठीक है। ऑल्सो बाय द वे मेरी मूवी स्पॉइल नहीं हुई थी तो मैं उसको अनबैन कर दूंगा अब सर्वर से, सॉरी फैन, टेक्निकली नॉट माय फॉल्ट बट ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक ठाक थी, मेरे को भी उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा मूवी के अंदर। I was in Bombay and मेरा भाई भी उसी time के around Bombay आ गया था, so we did a two piece and a pod meetup, क्योंकि guys podcast तो बनती नहीं है but IRL मिल तो सकते हैं ना, दो भाई मिल सकते, and बहुत चीजें हमने recreate भी करी, तो तुम जाओ देखो। अरे videos मेरे को आता नहीं कि इस क्या करना है बोल। अबे मैं भाई वो record कर रहा हूँ। क्या वो vlog? हाँ तो ले, मैं कर रहा हूँ व्लॉग रिकॉर्ड, चल भाई ऐसे नहीं करते गाइस। मैं मुंबई आया था, हाँ पता नहीं क्या करने, ऑनेस्टली मैं 15 दिन पहले आया था, हाँ मेरे को अभी भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं आया हूँ लाइफ सेवियर, यस प्रीटी मच दैट इज ट्रू। तो गाइस वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ टू पीस इन अ पॉड, यस लेट्स गो टू पीस इन अ पॉड रिटर्निंग सीजन 3। द लास्ट टाइम वी केम हियर एग्जैक्ट प्लेस जुहू, तो इस चैनल की पहली वीडियो बनी थी। यस ओ ऑनेस्टली मैं तब ज्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत ज्यादा, मैं तब ज्यादा भाई मेरी अब गपटी करते, तब तूने डैब करा था, अब कर दे एक बार डैब कर दे, तो नहीं कर पाएगा साला। मैंने कहा था ना इसके उसके बस की नहीं है भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके मैन, इट्स जस्ट फाइन। वो वाली फोटो रिक्रिएट करनी है, हां वो वाली फोटो, एक फोटो हमने ली थी हम दोनों की वहां पे कहीं थी, कहीं कहीं, तो हम वो फोटो अब रिक्रिएट करेंगे सब, पता नहीं मेरे को इधर बड़ी लग रही है, चल मैं पोज मार रहा हूं, वो डेडिकेशन होना चाहिए ना, रेडी मतलब बाकी वैसे सभी के तू फोटो है भाई मेरे पैर मत कर मत कर मत कर कितने साल का है भाई? स्लो मोशन में रील बनाता हूँ, उसके पीछे मेरा कोई वॉइस ओवर डाल दे और मिलियन व्यूज आ जाएंगे। क्या तुम्हें दर्द है? अपनी बेदर्दी में, अपनी गाइस द पारितोष आनंद रोस्ट बाय पारितोष आनंद, अपनी हमदर्दी में भी अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो वो तुम हो। अच्छा क्या बात है भाई, मैंने ये रिकैप तो बनाया नहीं है साल, बट बहुत ही अजीब अजीब सा साल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को हुआ क्या मेरे साथ, ऑनेस्टली जस्ट थिंग्स केप्ट हैपनिंग एंड मैं बस करता रहा भाई तरह। सो प्लान सिंपल है, मैं घर जाऊंगा एंड आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन 2022 एंड आई फील द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू फिगर दैट आउट इज होम। ये साल बस हाईलाइट है कि मैं 18 साल की उम्र में दो बार मूव आउट कर रहा हूं तीन बार। सो यस आई एम बैक होम, मतलब ये दिसंबर इतना बिजी गया मेरे लिए, मतलब मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ कब क्या मैं कहां पे हूं, सब निकल गया। बहुत कंफ्यूज था मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, आई एम इन अ वेरी वियर्ड स्पेस राइट नाउ, जिसकी वजह से मैं इतना कंटेंट भी पुश आउट नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार, इफ यू एंजॉयड मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट, कमेंट कर देना यार मेरे को अच्छा लगता है देख के, सब्सक्राइब कर देना, लेट्स गेट टू 70K एज सून एज पॉसिबल, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।